So in this section uh, of analysis of ex export subsidies second section, we will discuss what consumer gain in uh, and what producer gain in the net form, like what particular amount of uh, gain a consumer have or loss consumer have, and then what producer is gaining or losing uh, after uh, getting subsidies. Starting from the same point, हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस मॉड्यूल आपके पास प्रिंसिपली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं एंड वी एज्यूम दैट इंटरनेशनल प्राइस इज़ थ्री पॉइंट फाइव डॉलर एंड देन स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ जीरो पॉइंट फाइव डॉलर अल्टीमेटली इंटरनेशनल प्राइस बिकेम फोर डॉलर एंड देन सप्लाई इज एट जे बार दैट इज फोटी एंड देन डिमांड इज़ टेन दैट इज़ थर्टी

इस ट्राइंगल की फॉर्म में इस कंज्यूमर सरप्लस में से जैसे प्राइस बढ़ती है और वो इंक्रीज़ कर जाती है फोर डॉलर के पास आपके पास ये वाला शेयर चला जाता है ये वाला शेयर और इस शेयर को हमने रोटेशन ए बार और बी बार से टो किया तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं ए बार को कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो टेन दैट इज़ टेन एंड दैट इज़ीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके पास टेन एंड ज़ीरो पॉइंट फाइव दैट इज फाइव तो आपके पास ये एरिया ऑफ ए बार ए बार कह लें आप दैट इज फाइव इसी तरीके से आप बी बार का भी एरिया निकाल सकते हैं दैट इज ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल है एच बार एन बार एंड बी बार इसके लिए आप वन ओवर टू बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला लगा सकते हैं और अल्टीमेटली यू कैन फाइंड आउट द एरिया वन ओवर टू बेस एज सपोज टेन एंड हाइट इज ज़ीरो पॉइंट फाइव एंड देन व्हिच इज़ इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एक्चुअली इफ यू एलिमिनेट जीरो कन्वर्ट 0.5 पॉइंट फाइव इंटू फॉर्म देन इट विल बी 1 ओवर 2 10 इंटू फाइव ओवर 10, 2.5. तो so, आपके पास यहाँ पे ए बार एरिया आता है 5 और बी बार एरिया आता है 2.5. जब इनको सम किया जाता है तो अल्टीमेटली आपके पास जो कंज्यूमर को लॉस होता है दैट इज ऑफ 7.50 डॉलर अब हम देखते हैं कि इस केस के अंदर प्रोड्यूसर को किस तरीके से गेन मिलता है या क्या प्रोड्यूसर को गेन मिलता है इस केस के अंदर ऑब्वियसली अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो जो मेजर प्लेयर है जिसको फ़ायदा होता है यहाँ पे, दैट इज़ प्रोड्यूसर अब प्रोड्यूसर को फ़ायदा कितना होता है हम यहाँ पे कहते हैं कि प्रोड्यूसर का गेन है ए बार बी बार एंड सी बार प्रिंसिपली पहले जब प्राइस ये थी उसके बाद जब प्राइस ये होती है तो ये बाकी जो आ, सारे के सारा एरिया ए बार बी बार सी बार ये प्रोड्यूसर के पास चला जाता है इंटरेस्टिंगली इसमें से हम लोगों ने ए बार भी निकाल चुके हैं बी बार भी निकाल चुके हैं तो सी बार को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है आ, इसको हम ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल की फॉर्म में डिवाइड करके एरियाज़ को निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास पोज ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपने सी बार आ, इसका निकालना है इस केस के अंदर और ये वाला एरिया तीनों को अप करते हैं जब तो क्योंकि ये सेम प्रैक्टिस है आप इजीली कि यू कैन फाइंड आउट बेसिकली ट्राइंगल्स हैं और रेक्टेंगल है फॉर्मूलाज डिस्कस हो चुके हैं पहले तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपके लिए होम असाइनमेंट के तौर पर छोड़ता हूँ आपके पास अल्टीमेटली जो फिगर आता है दैट इज़ एटीन पॉइंट सेवन फाइव और जो स्टेट है तीसरा मेजर प्लेयर उसकी अगर बात करते हैं तो सब्सिडी वो दे रहा है बी बार सी बार एंड डी बार तो यहाँ पे जो सब्सिडी है दैट इज़ फिफ्टीन इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने सी बार निकाला हो आ, मैं ज्यूम ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर ए बार बी बार आपने निकाला हुआ सेवन पॉइंट फाइव जीरो तो आपके पास सी बार जो एरिया है दैट वुड बी एटीन पॉइंट सेवन फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो अगर आप इसको फाइंड uh, आउट करें तो आपके पास ये एरिया आएगा एलेवन पॉइंट टू फाइव तो इजीली आप यहाँ से यहाँ से भी एक्चुअली क्योंकि आपने ए बार और बी बार निकाल लिया हुआ है तो सी बार आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये यह फिगर है 18.75 की सी बार इज़ 11.25 पॉइंट टू फाइव गवर्नमेंट सब्सिडी इज़ बी बार सी बार प्लस डी बार या आप डी बार ऐसे ही निकालेंगे वन ओवर टू बेस इज़ फाइव हाइट इज़ीरो पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते तो ये आपके पास सब्सिडी uh, की फॉर्म में जाता है पंद्रह डॉलर जो स्टेट की तरफ से जाता है एंड देन जो कंज्यूमर है उसको वंस अगेन लॉस होता है दैट इज सेवन पॉइंट फाइव जीरो एंड प्रोड्यूसर इज द ओनली प्लेयर विच इज गेटिंग आउट ऑफ दिस सब्सिडी दैट इज एटीन पॉइंट सेवन फाइव डेलर डॉलर अब यहाँ पे जो नेशन uh, टू है उसको बर्दाश्त करना पड़े प्रोटेक्शन कॉस्ट अब जिसको हम लोग दूसरे अल्फाज में डेड वेट लॉस भी कहते हैं ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब आपके पास किसी पॉलिसी का इफेक्ट ना तो पॉजिटिव इफेक्ट या कोई भी आ, जो गेन है उसका ना कंज्यूमर के पास जा रहा हो ना प्रोड्यूसर के पास जा रहा हो ना स्टेट के पास आ रहा हो तो उसको आप नॉर्मली आप डेड वेट लॉस की बात भी करते हैं और अल्टीमेटली ये इनफिशनसीज की वजह से रेज होते हैं ये आ, हम लोगों ने पहले जो है उसको डिस्कस किया हुआ है कम्प्रीहसिवली तो यहाँ पर प्रोटेक्शन कॉस्ट आ रहे हैं दो एरियाज़ की वजह से दैट इज बी बार एच बार एंड एन बार ये है प्रोटेक्शन कॉस्ट आपके पास एंड देन दूसरा प्रोटेक्शन कास्ट है सी बार जे बार एंड एम बार ये डी पॉइंट बी एंड डी जिसे आप कह सकते हैं और इन दोनों को अगर कैलकुलेट किया जाए एग्जैक्टली exactly उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बी को तो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था दैट इज टू पॉइंट फाइव उसी फार्मूला से तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी बार जे बार एंड एम बार विच इज वन पॉइंट टू फाइव डॉलर अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास थ्री पॉइंट सेवन फाइव आपके पास डेडवे लॉस की फॉर्म में गया है जिसे आप इन सिंपल सेंस प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं अब अल्टीमेटली एक क्वेश्चन ये रेज होता है आ, कि अगर सिर्फ प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है तो स्टेट्स जो हैं वो सब्सिडीज देती ही क्यों हैं अल्टीमेटली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है तो इसकी एक सोल रीज़न ये है सोल रीज़न तो नहीं कह सकते वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि आपके पास लॉबिंग होती है जो स्टेट के अंदर पावरफुल uh, कॉर्नर्स होते हैं या पावरफुल सर्कल्स होते हैं स्टेट के अंदर वो लॉबी करते हैं जिसके तहत स्टेट मजबूर होती है उन पर्टिकुलर uh, इंडस्ट्रीज़ को उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को सब्सिडाइज करने में इसकी क्लासिकल एग्जांपल अगर आप देखें तो प्राइमेली तो ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि शुगर हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए हम क्योंकि गन्ना भी उगाते हैं एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो प्राइमरी जो हर वक्त या हर साल जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करने से अल्टीमेटली आपके पास आपको गेन मिले इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रेवेन्यूज़ या फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में आपके पास डॉलर्स आए लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है होता ये है कि आपके पास डोमेस्टिक uh, मार्केट के अंदर से भी शुगर शॉर्ट हो जाती है और पीछे ये हर साल फिर सब्सिडी दी क्यों जाती है तो यू कैन अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस वन के हु ओन द शुगर इंडस्ट्री मोस्टली तो किन किन लोगों के पास है और किस तरीके से वो पावर uh, कॉरिडोर में अफेक्ट uh, करते हैं डिसीजंस को और किस तरीके से लॉबिंग की जाती है तो सब्सिडीज़ का हम अल्टीमेटली uh, यही कह सकते हैं कि आपके पास डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है Uh, उसको फ़ायदा होता है और डोमेस्टिक कंज्यूमर को लॉस होता है अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी प्राइसेस हाई हैं लाइक दिस वन डोमेस्टिक मार्केट से तो एटलीस्ट जो ट्रेड का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को एटलीस्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर को सफिशेंट uh, जो है वो uh, चीज़ें प्रोवाइड करें बट uh, जो क्लासिकल केस मैंने पाकिस्तान का डिस्कस किया है दैट इज़ ऑफ बेसिक नेसेसिटी शुगर जिसको हर बंदा इस्तेमाल करता है फॉर लेयर गुड्स इट कैन इट कैन बी अ गुड पॉलिसी टू गेट हायर रिटर्न आउट ऑफ एक्सपोर्ट्स लेकिन जो बेसिक uh, नीड्स हैं उसमें से ये चीज़ करना टू सम आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और अल्टीमेटली जो गेन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा uh, जो है वो फॉरन पायर को हो रहा है जहाँ पे अगर आप ये देखें कि जो ट्रेड से पहले या uh, जो आपके पास सब्सिडीज से पहले ट्रेड से पहले भी नहीं सब्सिडी से पहले आपके पास जो फ्री ट्रेड पे उसको जब फिफ्टीन कॉमोडिटी वो खरीद पा रहा था फिफ्टीन एक्स लेकिन अब वो सब्सिडीज़ की वजह से वो चार चुकी है आपके पास थर्टी एक्स की फॉर्म में तो ये अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन uh, uh, थी ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज का किस तरीके से स्टेट इफेक्ट होती है किस तरीके से कंज्यूमर एंड किस तरीके से प्रोड्यूसर